नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल टेक हिंदी के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए। अगर आप एसेंशियल डिलीवरी सर्विस में इन्वॉल्व हो, लाइक जोमेटो स्विगी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव हो, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो इस समय, तो यहाँ पे आपको ई पास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी डिलीवरी आप करते हो, वहाँ पे किसी न किसी डिलीवरी पे आपको पुलिस वाले रोक सकते हैं, आपसे यहाँ पे वसूली कर सकते हैं, आपका यहाँ पे चालान कट सकता है। तो गाइस इसलिए आपको यहाँ पे ई पास लेना, आपको ई पास बनवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ई पास कैसे बनवा सकते हो, ऐप को अप्लाई कैसे करना है, पूरा मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में ऐड करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे शेयर लेकर तक पूरी देखना, एंड में वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी तो मिस ना हो। चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों COVID-19 ई पास एसेंशियल सर्विस ई पास को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है सरल हरियाणा। जैसे कि यहाँ पे सरल हरियाणा आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे सामने पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी sarlharyana.government.in। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ से आप बेसिकली जितने भी जिस भी सिटी से आप रहते हो, जिस भी सिटी में आप मूवमेंट करना चाहते हो, वहाँ का आप ई पास बनवा सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू। ओके, वो ई पास आपका हर जगह वैलिड रहेगा, आपका हर जगह यूज़ में आ सकता है। ओके, सिंपली जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा इस वेबसाइट का। सिंपली आपको यहाँ पे न्यूली लॉन्च इस स्कीम सर्विस पे आपको एक सेशन देखने को मिलेगा, मूवमेंट पास फॉर जनरल पब्लिक अप्लाई फॉर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आप इनके मेन इस फॉर्म पे पहुँच जाओगे, मूवमेंट फॉर COVID-19 कर्फ्यू लॉकडाउन। ओके, ये गाइस आपका कर्फ्यू में भी काम आएगा, लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आपका काम आएगा। इस ई पास के जरिए आप यहाँ पे पुलिस वालों से आप निजात पा सकते हो। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे जो भी यहाँ फॉर्म आपको सामने आया है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ओनली ऑन 5 मिनट के अंदर अंदर आप फॉर्म फिलअप करके आपका ई पास रेडी हो जाएगा, एंड उसको PDF फॉर्मेट में आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हो या फिर नियर बाई कैफे से आप जाके उसका प्रिंट आउट करा के अपनी बाइक पे लगा सकते हो। ओके, सिंपली चलिए यहाँ मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एसेंशियल सर्विस का जो कैटेगरी है ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। इसके बाद सब कैटेगरी में आपको जाना है, एंड यहाँ पे आपको जो भी सर्विस आप कर रहे हो इस समय इस सिचुएशन पर, आप जो भी सर्विस आप बार कर रहे हो उस सर्विस को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप जोमेटो स्विगी इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप वर्क कर रहे हो, फूड सर्विस आप कर रहे हो, सिंपली आपको यहाँ पे 4th नंबर पे देखने मिल जाएगा डिलीवरी एसेंशियल गुड सर्विस एंड फूड डिलीवरी, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप मेडिसिन अगर आप डिलीवर करते हो तो यहाँ पे इसके लिए भी आप यही चूज़ कर सकते हो। ओके, अब गाइस यहाँ पे जो ई पास है ये आपको कब तक चाहिए होगा, कब से कब तक आपको चाहिए, यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास रिक्वायरमेंट फॉर्म, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ आज की डेट, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पास रिक्वायरमेंट अप टू हो जाएगा 18/5/2021 तक ये मेरा पास वैलिड रहेगा। इसके बाद मुझे फिर से इसको रिजनरेट करना होगा, फिर से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली पर्पस भी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पर्पस आप क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं फूड डिलीवरी मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे आप यहाँ पे पर्पस अपना लिख देना। इसके बाद आपको यहाँ पे व्हीकल टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे व्हीकल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, अगर 2-व्हीलर यूज़ कर रहे हो, 3-व्हीलर यूज़ कर, 4-व्हीलर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं 2-व्हीलर यूज़ करता हूँ, स्कूटी है मेरी, सिंपली मैं यहाँ 2-व्हीलर पे क्लिक कर देता हूँ। एंड व्हीकल RC नंबर आपको अब डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना व्हीकल RC नंबर भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने व्हीकल RC नंबर डाल दिया, सिंपली मैं यहाँ पे स्टेट अपना यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हरियाणा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से UP से हूँ, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट में, एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ पे कानपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कानपुर नगर। ओके, एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल देना, आप जिस भी लोकेशन से आप हो। ओके, यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम और मूवमेंट कहाँ से, मूवमेंट टू में यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना है, किस सिटी में आपको विजिट करना है, तो वो आप यहाँ पे सिटी में मेंशन कर देना मूवमेंट टू। अगर आप यहाँ पे फूड डिलीवरी सर्विस कर रहे हो तो वो आपकी एक ही सिटी में होगी, तो यहाँ पे आप उसी सिटी को मेंशन कर देना, आपकी उसी सिटी में ये ई पास वैलिड रहेगा। जो भी आपने यहाँ पे डेट यहाँ पे सिलेक्ट की है पास रिक्वायरमेंट फॉर्म से, पास रिक्वायरमेंट अप टू तक, इस डेट तक
आपका ये ई पास वैलिड रहेगा। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मूवमेंट टू में भी अपना अपना एड्रेस डाल देता हूँ। अगर आप किसी अदर सिटी में विजिट करना चाहते हो तो वहाँ का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एड्रेस। ओके, चलिए मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने मूवमेंट टू और मूवमेंट फ्रॉम दोनों एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दी हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में अपने नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सिंपली चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल अपनी फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे सारी फिलअप कर दी है। अब गाइस यहाँ पे बोल रहा है मेडिकल डिटेल्स, यानी कि आपको इस समय कौन सी सिचुएशन चल रही है, आपके सामने मेडिकल कंडीशन आपकी कैसी है, आपको बुखार है या फिर आपको कफ है, आपको खांसी आ रही है, ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन बोला फीवर, सोर थ्रोट, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ओके, आपको सांस लेने में तकलीफ है या फिर आपको कफ है, हेड कैच है या फिर आपको कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे फीवर है या फिर अगर ये सारे प्रॉब्लम आपको नहीं भी है सिंपली आपको यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डू यू हैव अ स्मार्टफोन एंड यू हैव डाउनलोड द आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। आप जितनी भी सर्विस में इन्वॉल्व हो आपके पास आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको अलर्ट भी करता है अगर आपके नियर बाई कोई भी कोविड 19 का पेशेंट है, अगर उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल होना जरूरी है। और तो यहाँ पे मैं आपको परमिशन बोल रहा है, सिंपली चलिए मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। यहाँ पे बोला हैड कोविड टेस्ट कंडक्ट ऑन यू आर योर फैमिली। ओके, यहाँ पे आपकी फैमिली में कोई भी कोविड टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है आपकी फैमिली में, अगर यस अगर है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अभी नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे बोल रहा है आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको नेम, अपना एज और जेंडर यहाँ पे अगेन आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने अपने एडिशनल पर्सनल डिटेल में अपनी डिटेल डाल दी है। अगर आप यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स के कोई और सदस्य को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड मोर फैमिली मेम्बर्स पे क्लिक करके आप उनकी डिटेल डाल के यहाँ पे उनको भी ऐड कर सकते हो अपने ई पास में। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको यहाँ पे शो कोड, यहाँ पे आपको एक कोड शो कर रहा है, उसको कोड को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं कोड मेंशन कर देता हूँ 3887। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट टॉपिक क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप फॉर्म फिलअप कर लोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपने आधार की पिक यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में, या फिर आप अपने पैन कार्ड की पिक अपलोड कर सकते हो। जो पिक आप अपलोड करोगे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर इफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, सिंपली यहाँ पे आपको चूज स्वाइप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार अपना जो भी पिक आपने क्लिक की है आइडेंटिटी प्रूफ में उसे आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे आपको आपने जो भी आधार नंबर फिलअप किया था फॉर्म फिलअप करते समय उस आधार नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली उस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे नियर बाई कैफ़े पे जाके उस पीडीएफ फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट करके यहाँ पे अपने बाइक में भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर कोई आपको पुलिस पर्सन करती है, कोई भी एसेंशियल डिलीवरी सर्विस में इन्वॉल्व हो, अगर आपको पुलिस परेशान करती है तो इस ई पास के ज़रिए आप उस प्रॉब्लम से जल्दी सॉल्व आउट हो सकते हो और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों सेम इसी तरह आप घर बैठे ई पास को बनवा सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, काफ़ी इजी वे में आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर आप ई पास को बनवा सकते हो एसेंशियल सर्विस के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है एंड काफ़ी फैमिलीज अपने घर पे ही यहाँ पे सेफ है। तो अगर आप किसी मजबूरी वश अपने घर को चलाने कारण यहाँ पे इन एसेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व हो, बाहर जाके आप फूड डिलीवरी सर्विस में इन्वॉल्व हो, ग्रोसरी सर्विस आप कर रहे हो या फिर आप रैपिडो, ओला, जितने प्लेटफॉर्म में अगर आप वहाँ वर्क कर रहे हो इस कठिन परिस्थिति में भी, तो यहाँ पे आपको कोविड 19 से जुड़ी हुई जितने प्रिकॉशन है उनको यहाँ पे फॉलो करना होगा, बिकॉज आप भी यहाँ पे सेफ रहो और आपकी भी फैमिली और अपने फ्रेंड सभी सेफ रहें। ओके, तो यहाँ पे आपको सैनिटाइजर, ग्लव्स और यहाँ पे आपको मास्क हमेशा कैरी करके चलना ही है अगर आप यहाँ पे अपने आप को सेफ रखना चाहते हो तो। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी आप सबको। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का वीडियो है तो उसे गाइस मिस ना हो। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।